कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत है कृष्णाकाय श्री गोविंदाय नमो नमः। सुख शांति आनंद रहे हर हर को आपका महाचरण। राधे राधे। आज हम पीली पोखर आए हैं दर्शन करने के लिए। देखिए ये पीली पोखर, आप मेरे पीछे दर्शन भी कर रहे हैं, बहुत सुंदर है पीली पोखर। और ये जो पीली पोखर है, यहाँ आने के लिए आप बरसाना में जो राधा रानी का मंदिर है, लाडली जी का मंदिर है, उसका एक सीढ़ी से जाने का रास्ता है, ऑलमोस्ट उसके ऑपोजिट है पीली पोखर। तो यहाँ पर आने के लिए बीच में एक नहर क्रॉस करनी पड़ती है, उस नहर के ऊपर एक ब्रिज भी बना हुआ है छोटा सा, आराम से आप उस ब्रिज से क्रॉस करके इधर आ सकते हैं। और ये पीली पोखर है। तो जो ये पीली पोखर है, इसका नाम पीली पोखर क्यों है, इसकी लीला बहुत सुंदर है। एक बार क्या हुआ कि राधा रानी अपनी सखियों के साथ में यशोदा मैया के यहाँ नंदगांव गई। वहाँ वो यशोदा मैया से जब वहाँ यशोदा मैया से मिली। अब यशोदा मैया ने जब राधा रानी को देखा तो उनके वो उनके रूप और उनके गुण से बहुत इम्प्रेस हुई, टोटली इम्प्रेस्ड। तो यशोदा मैया ने अब उनके मन में ये भावना आई, जब उन्होंने इतना इम्प्रेस थी उनके रूप और गुण से राधा रानी के, कि काश ये मेरी जो मेरी मेरा कृष्ण है, मेरा लल्ला है कृष्ण, ये उसमें उस ये मेरी बहू बन जाए, मेरे लल्ला की बहू बन जाए। तो अब वो अपनी भावना में इतना ज़्यादा आगे बढ़ गई और इतनी इस इच्छा को इतना ज़्यादा उनके अंदर इतनी ज़्यादा हो गई ये इच्छा, कि उन्होंने क्या किया कि राधा रानी के हाथों को पीला कर दिया। अब जब उन्होंने राधा रानी के हाथों को पीला कर दिया, अब राधा रानी मन ही मन बहुत खुश हो रही हैं, हाथ पीले हो गए, ये सब मैया ने किए हैं, बहुत खुश हो। अब वो वापस जब अब अपनी सखियों के साथ अपने उन पीले हाथों को लेकर मन ही मन खुश होते होते यहाँ आ रही थी वापस अपने पिताजी के यहाँ बरसाना में, यहाँ वृषभानु जी के यहाँ। तो जब वो यहाँ पर वृषभानु जी के यहाँ पर जब यहाँ आ रही थी, बरसाना आ रही थी, अब जब वो बरसाने के पास पहुँची तो उन्हें बहुत शर्म आई अपने हाथ पीले लेकर कैसे जाएं वो। तो उन्होंने क्या किया कि राधा रानी ने फिर इस पीली पोखर में अपने हाथों को अच्छे से रगड़ रगड़ कर धोया, अच्छे से मल मल कर अपने हाथ धोए। और तो उस उन्होंने जब अपने हाथ धोए, पीले पीले अपने हाथों को धोया इस जल में, इस वजह से इस पोखर का सारा जल पीला हो गया, इसलिए इसको पीली पोखर बोलते हैं। जय राधे। राधे राधे। ये जो आप पीली पोखर के दर्शन कर रहे हैं, इस पीली पोखर को प्रिया कुंड या प्याल कुंड भी कहते हैं। इस कुंड के चारों तरफ बहुत सारे पीलू वृक्ष हैं और उन पीलू वृक्षों पे बहुत अच्छे फल लगते हैं, जिन्हें लेने के लिए राधा रानी आती थी। और जब वो यहाँ आती थी अपनी सखियों के साथ, तो यहाँ तरह तरह के खेल खेला करती थी राधा रानी उनकी सखियाँ मिलकर। और श्री कृष्ण भी नंदगांव से यहाँ आ जाते थे, और फिर राधा रानी और श्री कृष्ण की यहाँ बहुत मधुर मधुर लीलाएँ हैं। जय राधे। राधे राधे। ये आप पीलू वृक्ष के दर्शन कर रहे हैं। देखिए जो छोटी छोटी पत्तियों वाला है ना, छोटी छोटी पत्तियाँ हैं, ये पीलू वृक्ष है। और यहाँ पर जब इसका सीजन होता है तो इस पर फ्रूट्स आते हैं। जय राधे।